आपने रखा? मैंने रखा। आपने रखा? पहले नाम आया, पहले कहानी आई? नहीं, एक्चुअली कहानी तो बहुत देर से बुन रही थी। ठीक है, जहन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ज़ेबाइश एक अच्छा लफ्ज और अच्छा साउंड करता है मुझे लगता है। वैसे तो अब बहुत सिंपल नामों की आदत हो गई है, हम लोग बहुत इजी गोइंग हो चुके हैं। एक ज़माने में हम पीटीवी ओरिएंटेड लोग हैं, आपको पता है, जहाँ पे कंटेंट बड़ा एक गहराई वाला होता था। तो उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है हमारे जो डायरेक्टर्स होते थे उनका ये ख्याल होता था, मुश्किल नाम होते थे। माहे के ना एक ड्रामे का नाम था अशफाक अहमद साहब के, फिर मतलब बहुत मुश्किल मुश्किल नाम होते थे। एक ड्रामा था जंगार, तो आपको तो जंगार का मतलब भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जंग जंग से ना okay. तो वो उनका ख्याल ही होता था गुफ्तगू के दौरान जब बात होती थी कि हम ऐसे लफ्ज जरूर बताएं जिसका लोगों को मतलब पता ना हो और फिर लोग जानना चाहें। एक मेरा प्ले था उसका नाम था अमावस। मुझे अब तो पता चलता है कि भाई अमावस की रात मनहूस रात होती है। फिर एक प्ले था मेरा इस्लामाबाद में संगचूर, तो संगचूर का लोग मतलब पूछते थे। तो इट वॉज जस्ट एक मज़े की एक्टिविटी होती थी कि नाम रखते थे और लोगों को एक एजुकेशन होती थी। संगचूर एक बहुत जहरीला सांप होता है। अच्छा, उसमें जो कैरेक्टर था वो बड़ा इविल, संग से कुछ संग करने वाले नहीं, संगचूर एक सांप है। तो वो एक इविल कैरेक्टर के ऊपर कहानी बेस थी, तो वो संगचूर सांप था। तो ज़ेबाइश में ये था कि ज़ेबाइश एक ओवरऑल, चूंकि इसमें 3-4 ट्रैक्स हैं, ये सिर्फ मेरा प्ले नहीं है, ये अस्मा का नहीं है, ये ज़ारा का नहीं है, ये असद का, शब्बीर जान का, बाबर अली का नहीं, लेकिन सबके ट्रैक्स बड़े मजबूत हैं। सबके ट्रैक्स में मैं जैसे कहूँ ना, मसाला है और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके सबके बड़े शॉकिंग हैं और एक्साइटिंग है। तो इसका मुझे जनरल, मैंने ये नहीं रखना था कि ये शाहाना सुल्तान है कि शाहाना सुल्तान या शाहाना की कहानी या मतलब दुखियारी माँ या समथिंग लाइक, अब तो बहुत आमियाना नाम होते हैं। तो मुझे एक अच्छा सा लफ्ज चाहिए था। ज़ेबाइश तो बहुत ज़ेबाइश, और अभी भी मज़े की बात बताऊँ, अच्छा होता है। मैं मज़े की बात बताऊँ, अफसोस की बात है कि मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लूँगी, कि ये ज़ेबाइश का मतलब क्या होता है। और मैंने कहा, आपने कभी आलाइश का नाम सुना है? क्या? हाँ, बकरीद पे आलाइश है। मैं कहा आलाइश, ज़ेबाइश, फरमाइश, तो आप कुछ लफ्ज नहीं भी अगर बोलते जिंदगी में तो ज़ेबाइश का मतलब समझ लें, खूबसूरती, डेकोरेशन। शादियों में मैंने कहा झंडियाँ नहीं लगाते, वो समझ लोगे वो ज़ेबाइश है। तो ज़िंदगी की ज़ेबाइश जो है वो बहुत से रंगों से है, बहुत सी दुखों से है, हर चीज का अपना फ्लेवर। आपने बात की जिंदगी की ज़ेबाइश। हाँ, ये जिंदगी की ज़ेबाइश है। आई थिंक आपने ड्रामे को सम कर दिया हमारे लिए, एक 3 लफ्जों में जिंदगी की ज़ेबाइश। मेरा तो जब भी कोई प्ले लिखती तो एक प्यारा सा नाम रखने को दिल होता है। जैसे मैंने एक प्ले का नाम रखा था खिड़की भर आसमान, वो एक बड़े शायर थे हमारे असद मोहम्मद खान साहब, उनकी किताब का नाम था। उसमें ये था कि जितना आपकी खिड़की से आपको जितना आसमान नजर आता है वही आपका, वही आपका है, वही उतनी आपकी दुनिया है ना। ये तो आप है या आप है या आप है, मगर जनरली लोग इतनी गहराई में जाना नहीं चाहते हैं अपना। वो चाहते हैं कि ड्रामे का नाम हो धक्का मुक्का बेटी झूठी, ये नाम क्यों रखा है आपने, इसका स्टोरी से ताल्लुक है ना। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये खालदा की कहानी है या जमीला मर गई या मुझे तलाक चाहिए या मेरी तलाक होने वाली है या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ऐसे ड्रामे हो रहे हैं ना अब। अच्छा बच्चों, मुझे बताएं, जो आपने कहा कि कहानी तो बहुत अरसे से दिमाग में बुनना शुरू हो गई थी, तो क्या प्रोसेस होता है? कोई एक कोई चीज़ होती है, कोई वाक्या होता है, किस तरह वो कहानी जन्म लेना शुरू करती है आपके दिमाग में और फिर बनती है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। और ज़ेबाइश में क्या हुआ? देखिए, सब कुछ हमारे अराउंड हो रहा होता है, बहुत सी कहानियाँ हैं इसके अलावा भी, बेशुमार कहानियाँ। लेकिन आप डिसाइड कैसे करती हैं कि मुझे ये वाला एंगल या ये वाली कहानी पे मैं एक लिखूं? मैं कहती हूँ कि दिल ये चाहता है कि ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो, लेकिन इनको इंटरकनेक्टेड कैसे करना है, इनको आपस में मतलब फिर कितना रिक्वायर्ड है। एक्चुअली कहानी का ड्रामा बनाना बहुत मुश्किल काम है, और कहानी लिखना एक और चीज़ है। कहानी में तो आप लिख देते थे 2000 लोग थे, उन्होंने मजमे के ऊपर पथराव किया, बिल्कुल। वो 2000 लोग जो है ड्रामे में लाना वो फीजिबल भी नहीं होता। सो इट्स अ डिफरेंट क्राफ्ट। सो व्हेन यू थिंक अबाउट अ स्टोरी यू फॉर टेलीविजन, एक्चुअली उसमें फिजिबिलिटी देखनी है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट देखना है, उसमें ये देखना है कि हर मिड ब्रेक पे आप कहाँ लोगों को रोकेंगे कि वो वापस आए आपके पास, इस रिमोट से कैसे बचना है, फिर हर हफ्ते जो फ्रीजेज हैं उस पर अगले हफ्ते का वादा क्या लेना है लोगों से, बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और सोच की उड़ान को वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है। अमेरिका के लिए लिखते, कनाडा आते, कनाडा के लिए लिखते, लाहौर आते, लाहौर के लिए लिखते, फिर गांव में आ जाते, फिर देखते फिजिबिलिटी क्या, तो बजट का क्या है, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो बहरहाल हर प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ता है। ज़ारा और असद क्यों इस ड्रामे के लिए? ज़ारा और असद क्यों कि दोनों एक अपनी जगह बना चुके हैं,
ये पहली बार नहीं है कि वो किसी प्ले में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह दे एस्टैब्लिश्ड नाउ और बिसाइड्स दैट मेरे बच्चे हैं, ज़ाहिर है असद मेरा बेटा है, मीन मुंह बोला ही सही लेकिन मेरा बेटा, ज़ारा मेरी भांजी है, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन देयर ओन. मेरा मतलब ये था कि क्या ज़ारा यू नो जैसे कभी कुछ एक्टर्स होते हैं ना, उनको देखते हैं आप सोचते हैं यार ये जो मैंने कैरेक्टर लिखा है ये ही एक्टर, तो ज़ारा के साथ भी आपके मैंने साथ उसके लिए लिखा था, उसके लिए लिखा मैंने उसको ही सोच के लिखा था. अच्छा, उसको सोच वो एक अलग बात है कि माशाल्लाह वो इतनी बिजी है वो मुझे अवेलेबल ना हो पाती, कहीं उसकी कोई और कमिटमेंट होती तो फिर मैं किसी और को देखती. उसको सोचती हैं प्यारी प्यारी सब बच्ची हैं, मेरा नुशाबा कौन होती अगर ज़ारा नहीं होती तो उर्वा भी हो सकती थी और इकरा में भी, इकरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो जिस तरह मुझे समझ आ रही है और भी रॉन्ग इकरा भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ारा बहुत अप्रोप्रिएट थी और मैंने फिर बहुत सी चीज़ें उसको माइंड में रखते हुए लिखी. अच्छा बुशा आप ये बताएं, आई मीन आपने सीरियस भी किए हैं, फनी रोल भी किए हैं, हर तरह के रोल आपने किए हैं, यू नो आपकी तो ऐसी वो है कि हम कोई भी चीज़ मिस नहीं है, फिर हम फिल्में क्यों नहीं देख रहे हैं आपकी तरफ से? दो फिल्में की थी ना मैंने, दोनों लिखी हुई. हाँ लिखी हुई की भी ये बात है कि एक फिल्म की कहानी डेवलप की थी, मतलब स्टोरी लाइन जो कि हमारी एक दोस्त थी, अब उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बना ही नहीं रही फ़िलहाल, उनके साथ कुछ हादसा हो गया था, फिर वो फिल्म का प्रोसेस वहाँ रुक गया. एक्चुअली लिखने का काम बहुत वक्त लेता है, उसमें मुझे 40 काम छोड़ने पड़ते हैं. सही बात है. अच्छा मैंने समझे कि ज़ेबाइश लिखा है तकरीबन 7 महीने में, उससे साथ में दीवार शब भी कर रही थी उसमें बहुत लंबा, बीच बीच में फिर वो री राइटिंग पे भी गया, बहुत सी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ी. पहले मैं सोची थी आधा कनाडा में होगा आधा यहाँ होगा, मैंने और मोमिना ने डेवलप की थी ये चीज़ें, लेकिन फिर देखा कि डॉलर बढ़ गया है, तबाही हो गई है, फिर लगा कि फिजिबल नहीं है, बजट बहुत ओवर चला जाएगा, तो उसको मैंने दोबारा लिखा सारा, तकरीबन 70% दोबारा लिखा, फिर एक और 3 महीने लगे. तो वो इतना लंबा प्रोसेस था कि मेरी बाकायदा मैं रोने लगी चीखे मार के कि मैं कहाँ फंस गई. तो फिल्म का भी ऐसे ही जाहिर है, चाहे वो 70-80 सीन होते हैं लेकिन हर सीन में आपको बहुत वक्त, वो थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल हो रहा है, हालांकि फिल्म की 2-3 कहानियाँ मेरे पेट में उछल रही हैं. एक्साइटेड. मुझे ये बताएं कि फैमिली के साथ काम करिए, ईजी है फैमिली के साथ काम करना या मुश्किल है? ईजी है, ईजी है, इसलिए लोग जमा सकती हैं दादा. रोब तो खैर मैं नहीं जमाती, लेकिन थोड़ा सा उनको पता होता है कि खाला बहुत डिसिप्लिन है, असमा भी डिसिप्लिन है. एक दो दफ़ा बीच में हुआ कि ज़ारा बेचारी फंस गई बहुत सी चीज़ों में, वो क्या स्टाइल अवार्ड के डांस में भी, और वो भी किसी हद तक मैंने ही कहा कि बेटे बुरी बात है, वो सुल्ताना आंटी चाहती है तो आप वो भी आप तो वो करा दिया, आप करा दिया, तो मुझे क्या पता था रोज ही ले जाएंगे उसको 5 बजे उठा के. तो वो रिहर्सल्स पे जाते थे तो मेरे सीन रहते थे, मुझे तो मुझे डायरेक्टर ने कहा बालू सैन साहब ने कि फिर सीन रह जाएंगे तो मैं काट दूंगा, मेरा वहीं दिल बैठ जाता है, काट देंगे तो कहते फिर क्या करें शेड्यूल से निकल जाएंगे. तो आप ही ने उनको इजाजत दी, अब मेरा रंग फक पता नहीं. फिर एक और भी कोई चीज़ उसको ऑफर हो रही थी, एक और भी हो रही थी, तो मैंने कहा आप क्या कर रही हैं आप, मतलब क्या कैसे करेंगी आप, मतलब. तो कहती है मैं मना कर देती हूँ, आप नहीं कहता, उनको फोन करके फटाफट कहती मेरी खाला डांट रही है, उनको बुरा लग रहा है, मैं तो नहीं करूँगी डांस. मैंने कहा हाँ अब क्या करूँगी, तो फिर सुल्ताना खफा हो जाएंगी, उन्होंने तो बहुत प्यार से कहा था. मैं चुप हो गई ऐसे करके. और एक और भी पता नहीं कोई काम था, मैं वो फलाना सीरियल भी नहीं करूँगी. नहीं भाई मेरी खाला को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा बेटे इस तरह आप ऊपर नीचे करें कैसे होगा, बट समझ गए बच्चे. लेकिन एक्चुअली इतनी अट्रैक्शन है सब बच्चों के पास, इतनी माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी, हाँ वो सब है, तो उसमें इतनी टेम्पटेशन है, फिर हर कोई प्यार से आपको कन्विंस भी करता है. ये सब हम पर वक्त, असल में हम पीटीवी में काम करते थे, हम वन बाय वन करते थे, हमें एक स्टेबिलिटी की आदत है और हमारे पास इतनी चॉइसेस भी नहीं थी. फ्रेंकली हम अपना कोई ड्रामा करते थे, कभी अपने बच्चों को देख लिया, घर देख लिया, फिर कोई शो कर लिया. इधर तो हड़बड़ी है, इंस्टाग्राम पे हर वक्त खड़े, हर वक्त खड़े. मुसीबत मुझे आता ही नहीं वो करना, मुझे कोई कपड़े भेजता है तस्वीर खींचे, मैंने कहा है वो तो लोगों ने खींची, मैंने तो खींची नहीं. अच्छा चलो फिर कहाँ, वो किसी से ले लो ना तुम, राना नुमान ने कपड़े बनाए तो उसने कहा आपने फोटो खींची, मैं कह रही मैंने तो नहीं खींची, किसी से ले लो प्लीज, वो मुझे भी दे देना. तो ये इतनी चीज़ें कि फिर, पर ओवरऑल इसलिए अच्छा रहा कि हमारे बच्चों को ये भी पता है कि हम साथ में, और अल्लाह का शुक्र है. मैं नहीं कहूँगी दूसरे बच्चे जो हैं वो गलत हैं, अभी तक तो हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और तंग नहीं कर रहे. तो आप खाला बनती हैं या आप सीनियर आर्टिस्ट बन के बात करती हैं उनसे, या रोल स्विच होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? मैं सीनियर आर्टिस्ट बन के किसी से भी बात नहीं करती. आप किसी बच्चों को भी देख लें, इतनी मेरे साथ लोगों बच्चों को मोहब्बत है, बल्कि अस्मा के साथ भी, हर तीसरे बच्चे को तो उसने बच्चा बनाया हुआ अपने, वो अम्मा ही कहती हैं उसको ज़्यादातर. मेरा भी ये है कि मैं भी प्यार से,
आई डोंट क्रिटिसाइज किड्स बिकॉज उनकी लाइफ के और गोल्स हैं, उनके और चैलेंजेस हैं. सो मैं सिर्फ देखती रहती हूँ. बहुत सी चीज़ें अजीब भी होती हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कहती. अच्छा ज़िबाइश 5 डायलॉग्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगी? 5 डायलॉग्स में, 5 वर्ड्स में या डायलॉग्स? डायलॉग्स में आप वर्ड्स कर लें चले या किसी गाने के थ्रू? नहीं ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल. एक आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छा ड्रामा अच्छी कास्ट के साथ अच्छी इंटेंशन से अच्छे डायरेक्टर के साथ देखने को मिलेगा. ये चार बातें होगी. अच्छी प्रोडक्शन. हाँ प्रोडक्शन भी अच्छा. अनवर मकसूद के साथ हम आपको देखना चाहते हैं. हमने जब उनसे पूछा जी कि आप क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं मुश्किल से, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि वो बहुत आगे निकल गई हैं. आप क्या बोलेंगी? कितनी भी आगे निकल जाऊँ उनसे तो पीछे ही रहूँगी मैं. वो तो अभी तक माशाल्लाह जब भी लिखते हैं अकेले भी बोलते हैं तो कमाल करते हैं. एक्चुअली वो एक हर चीज़ का एक वक्त होता है. और हम तीनों जब इकट्ठे काम करते थे अनवर साहब मुइन और मैं, बल्कि बाद में मुइन और उन्होंने ज़्यादा काम किया एक साथ. मैं थोड़ी सी एक मामले में शायद स्मार्ट हूँ या शायद बेवकूफ़ हूँ. मैं थोड़े दिन में अपने काम से इधर उधर निकल जाती हूँ. मैं एक काम से बेजार हो जाती हूँ. अच्छा मैं थोड़ी सी समझ लें अपने आप को स्मार्ट ही कहूँगी कि मैंने जब देखा मैंने लूज टॉक किए कुछ 15 से 18 ऐसे किए, मुझे लगा कि मैं अपने आप को रिपीट करूँगी. होता है ना हर किसी के पास कोई एक छाबड़ी में कुछ सामान होता है. मेरे पास शायद 15 से 20 कैरेक्टर्स थे मेरा ख्याल है, लोगों का ख्याल. मुइन के पास शायद 28 थे या 40 थे. उसने उनको मल्टीप्लाई किया और उसने बहुत रिपीट भी किया. तो कमाल किया मतलब बस क्या बताऊँ. हिना दिलपजीर के पास शायद हमसे भी ज़्यादा है. तो मुझे लगा आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ, आई डोंट लाइक टू. मुझे लगा कि नहीं मैं तो रिपीट करूँगी, मैं थोड़े दिनों में फिर मेमन बन जाऊँगी कोई और बन जाऊँगी, फिर वही वापस पठान बन जाऊँगी, फिर वही. तो मुझे लगा कि बस. तो अनवर साहब का जो काम है बहुत मेरा मेजर काम उनके साथ है. वो टाइप की कॉमेडी जो है मुझे बहुत सूट भी करती है, मुझे पसंद भी है. लेकिन मैं सिर्फ उसी पर ही फिक्स नहीं होना चाहती थी. तो साइमा चौधरी उसकी बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट. साइमा चौधरी तो क्लासिक.